अधिकार नहीं है बोलने का। जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लड़के आए, उसी के गोद में बैठकर उसी के पैर पकड़ के ये सत्ता में बैठे हैं। ये जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का था, ये जनादेश नीतीश कुमार का नहीं। अगर जो थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो विधानसभा भंग करके चुनाव करा ले और तब जनादेश लेके आके बोले, चोर दरवाजा से आके सत्ता में बैठने वाले को कोई अधिकार नहीं। खुद एजेंट हैं ये, देश के लोकतंत्र के हत्या करने वालों का एजेंटी कर रहे हैं। और ऐसे लोकतंत्र के हत्यारों को बिहार लोकतंत्र की जननी है कभी स्वीकार नहीं करेगा, इनका निशानी मिट जाएगा। आज जिस तरह से बिहार विधानसभा के अंदर एक नए परंपरा को कायम किया गया कि जब सत्ता और विपक्ष के लोग अपने गैर सरकारी संकल्प के लिए बैठे थे, और गैर सरकारी संकल्प कितना महत्वपूर्ण है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिहार की समस्याओं का कम से कम प्रश्न में पकड़ाए या ना पकड़ाए, गैर सरकारी संकल्प में सरकार को जवाब देना पड़ता है और उसको एक राजद के विधायक के द्वारा प्रस्ताव देकर कमेटी को भेज दिया गया साजिश के तहत कि सरकार को जवाब देना नहीं पड़े। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुख्यमंत्री सदन में आए और जवाब देने के डर से गैर सरकारी संकल्प को ही समाप्त करवा दिए, और उससे भी हद हो गई कि बिहार गीत शुरू कराए। हम लोगों ने बिहार गीत गाया, अपने बिहार पर गर्व करते हैं लेकिन अपने राष्ट्र पर भी हमें गर्व है। राष्ट्र गीत जब हम लोग गाने लगे तो अध्यक्ष और ट्रेजरी बेंच से माननीय मुख्यमंत्री सभी उठ के चले गए। राष्ट्र गीत का अपमान करने वाले लोग क्या राष्ट्र के हितैषी हैं? वंदे मातरम कहने में जिनको शर्म लगता है, जनता उनको वंदे मातरम की धरती पर चैन से रहने नहीं देगा। वंदे मातरम जो कहेगा वही मां भारती का संतानों का विश्वास प्राप्त करेगा। ये वंदे मातरम का बहिष्कार किया, ये वंदे मातरम का अपमान किया है, और वंदे मातरम का मां भारती के संतानों का अपमान है। और ऐसे लोग जो अपराधियों भ्रष्टाचारियों की जमात से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अब सदन से सड़क पर ही लड़ाई जाएगी। और ये जो देश के दुश्मन बन गए हैं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और हिंदुओं को तंग तबाह कर रहे हैं, जंगल राज से भी हमने लड़ा था, जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज कहते हैं और ये गुंडा राज में बदल गया है। गुंडे हो रही है सदन के अंदर, जो मन में आ रहा है नियम से हटकर अपनी मनमानी चला रहे हैं, उस गुंडा राज को भी खत्म करेंगे। अब लड़ाई सड़क की ओर चलेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।